Crazy Reaction. So if you are new to this channel, hi, my name is Vidanshu. And my name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2020. तो इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री मैं कि उसमें इंडिया की पावर कितनी है, कौन सी किसमें ज्यादा है, किसमें कम. मेरे ख्याल से तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो अगर इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लें. और अगर इससे पहले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए. चलिए देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन. 1, 2, 3 स्टार्ट. This video is as you didn't know. Hello everyone, you're watching my channel Global Analysis. Today I'm going to do a military power comparison between Republic of India and Islamic Republic of Pakistan. Which country is most powerful? Let's see in this video. ये भी डबल से ज्यादा है हमारे आर्मी डबल है लगभग आर्मी कार वो 6.5 ये ठीक ठाक है पर इंडिया की ज्यादा ही है फिर भी लाट नहीं इंडिया की ज्यादा है
इंडिया की काफी बड़ी है, ये थोड़े ज्यादा है और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। हमें इतना ज्यादा नहीं पता था और कितना ज्यादा गैप है, ये भी नहीं पता कितना ज्यादा गैप है, कितना वेरिएशन है उनसे। हाँ, और मेरे ख्याल से नेवी में तो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा नेवी में मेरे को काफी ज्यादा लगा। एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं उनके पास, उसमें मेरे को काफी ज्यादा लगा। वो थोड़ा शॉकिंग भी था मेरे, मेरे को लग रहा की एक दो तो होने चाहिए, होंगे शायद, पर हमें नहीं पता था और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली इससे हमें। और रिजर्व पर्सनल इंडिया के कितने थे, 21 लाख। हाँ, और ये भी नहीं पता था मुझे कि रिजर्व पर्सनल भी इतने हैं और 14 लाख एक्टिव हैं और रिजर्व उससे ज्यादा हैं इंडिया के। मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली जो हमें नहीं पता था। और अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।